Hey, what's up, family? Welcome back to channel. A very good afternoon to everyone. I hope you are doing absolutely fine. This is देख सकते हो अभी मैं नहा के आ गया, थोड़ा fresh लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ. अभी मैंने तक बाल सेट नहीं किए, बट अभी मुझे टाइम पास करने में कंटाला आ रहा है. मतलब टाइम पास नहीं है एक्चुअली, गुड लुक के लिए बाल सेट करना अच्छी बात होती है. लेकिन अभी मुझे थोड़ा ऐसा मन नहीं हो रहा बाल सेट में, थोड़े टाइम के बाद सेट करूँगा. ओके, सो अभी मैं कुछ खा लेता हूँ, भूख लगी है. और आज कहाँ पे तो बाहर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा मतलब जाना ही है एक्चुअली. मुझे ना वो आईफोन का कनेक्टर ढूंढना है, जो थ्रू मैं माइक जब लगाऊंगा आईफोन को, मतलब अपने माउंट करूंगा ट्राईपॉड को, उसके बाद मुझे कनेक्टर करना पड़ेगा. मतलब कनेक्टर चाहिए, तो 3.5 mm जैक है जो वो 7 से निकाल दिया है. सो बेसिकली मुझे वो कनेक्टर चाहिए, डोंगल बोलते हैं जिसको, सो लाइटनिंग टू 3.5 mm, तो वो मुझे कनेक्टर चाहिए. तो अभी वो कनेक्टर ढूंढने के लिए जाता हूँ. अगर मुझे यहाँ पे मिलता है चीप एंड रीजनेबल प्राइस में, देन आई वोंट गो फॉर एप्पल ओरिजिनल. ओके, अगर मिल रहा है चीप में तो देखते हैं, अगर कितना चलेगा उतना चलेगा, वो तो उससे गारंटी है, देखते हैं. अगर बट मैं अभी सस्ता वाला क्यों बाय करूँगा, मेन रीजन सस्ता वाला बाय करने का इज कि अगर वो सपोर्ट नहीं हुआ माइक डोंगल थ्रू, तो मैं माइक रिटर्न कर सकता हूँ. बट मैं अगर एप्पल का ओरिजिनल प्रोडक्ट ले लिया तो मैं उसे रिटर्न नहीं कर सकता. ओके, गॉट इट. दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई एम टेकिंग द चीप काइंड ऑफ थिंग फॉर टेस्ट द माइक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. बिकॉज लास्ट टाइम ऐसा हुआ, दोस्त है उसने भी माइक लिया और सेम थिंग उसको भी वन प्लस 60 से निकाल दिया. उसके पास 60 है, तो कुंदन ने बेसिकली दोस्त ने कुंदन ने लिया था, और कुंदन ने भी माइक लिया था, बोया का माइक लिया था. और बोया का माइक लेने की वजह से क्या होता है, उसको कनेक्टर नहीं, राइट, 3.5 mm जैक टाइम ही है 60 को. तो उसके प्रॉब्लम क्या हुआ था कि वो जब ट्राई कर रहा था कनेक्ट करने के लिए थ्रू डोंगल, उसको सपोर्ट नहीं हो रहा था माइक, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था. तो अभी मुझे वो देखना है कि अरे मेरे फ़ोन को भी होता है क्या, या वन प्लस ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है. तो उसके लिए मैं 1000 रुपये वेस्ट नहीं करने वाला ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके. कभी कभी क्या आता है ना, मैं वायर से ज़्यादा वायरलेस प्रेफर करता हूँ. क्यों? क्योंकि अपन हाथ में फ़ोन लेके देखते रहते हैं, गाने बजाते रहते हैं, कुछ रील्स देखते रहते हैं, गाने इधर बजते रहते हैं वायरलेस के टाइम पे. और अगर अपन कभी हाथ भी झटक दे और जल्दी से अगर तो वायर पे लगे तो फ़ोन हाथ से फिसल सकता है, और ट्रेन वगैरह से ट्रैवल कर रहे हो तो नीचे भी गिर सकता है. तो दैट इज़ अ मेन ड्रॉबैक ऑफ वायरलेस. ओके, वायर्ड की वजह से मैं वायर्ड प्रेफर्ड नहीं करता ज़्यादा, उसकी वजह से मुझे डोंगल की ज़रूरत नहीं है. बट मेरे पास आईफोन, जब मेरे पास आईफोन 7 था, तो उसका मेरे पास एक डोंगल पड़ा हुआ था, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा. अगर वो मिल गया ना भाई, सच्ची में मतलब पैसा बहुत बचेगा मेरा, क्योंकि वो ओरिजिनल आईफोन की तरफ से मिला हुआ था. जब आईफोन 7 लॉन्च हुआ था बॉक्स में दे रहे थे, तो वो तब का है मेरे पास. तो देखता हूँ, अभी ढूंढता हूँ खजाने में मिलता है क्या. अगर मिला तो किस्मत अच्छी है भाई. ये मैंने खाना तो नहीं खाया था, अभी नहीं खाऊंगा खाना, क्योंकि अभी खाऊंगा तो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर पेट का तकलीफ है अपने को पहले से ही, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम होगा. सो अभी नहीं खाऊंगा, थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ ऐसे खा ले तो अभी नॉर्मल. ओके, लाइक काइंड ऑफ स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स एंड ऑल थिंग. ओके, तो वो खाता हूँ और फिर मिलते गाइस. जो लोग मेरे व्लॉग नहीं देखते उनको बोलूँगा कि मेरे व्लॉग्स देखो प्रीवियस बैक जाके, क्योंकि ये जो मैंने सीरीज़ निकाली है डेली व्लॉग्स की, वो सब इंटर रिलेटेड व्लॉग है. अगर एक पीछे का व्लॉग नहीं देखोगे और आगे दो दिन का स्किप करके आज का व्लॉग देखोगे ना, तो फिर बहुत मतलब प्रॉब्लम होगा, आपको कुछ समझेगा नहीं. इसकी वजह से बैक जो पीछे 3-4 व्लॉग्स मैंने डाले हैं वो जाके देखो, और तब जाके आपको पूरा लेन में समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस बारे में बोल रहा हूँ, क्या करना है, क्या सरप्राइज़ है, क्या नहीं है, वो सब. तो फाइनली हम लोग का उठ उठ के हो गया, अभी वी आर हैविंग अ टी, और नाउ वी आर हैविंग अवर टी. अभी चाय पीने के बाद हम लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं, चलो किधर से चलते. सो 1, 2, 3 ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी यहाँ से निकलते हैं. ओके, और ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, तो चलो. अभी बाहर निकला था और देख सकते हो, ब्लॉक करने बाहर निकला था, और देयर वाज अ ब्यूटीफुल सिनेरियो, देख सकते हो. दो रेनबो है, एक ये पर है, उसके ऊपर और एक रेनबो है. सो देर आर 2 रेनबोज प्रोबेबली. अभी वो मेरे ऊपर फोकस हो रहा है, उसकी वजह से दिख नहीं रहा है. ओके, बट मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ. You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get
मैं आ गया सर्वेश के घर पे। अभी यहाँ से हम लोग जाते हैं बाहर। मुझे पता नहीं है बारिश का और मेरा क्या नाता है, जब भी बाहर निकलता हूँ बरसने लगते हैं। डूड अभी भी बारिश आ रही है और वो ब्यूटीफुल जो सीन दिखाया था ना मैंने रेनबो का, सच में मैंने ना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने देखा। अभी बारिश के टाइम पे तो रेनबो दिखता है जब सन आता है तब, बट ये सन मतलब दिस ईयर मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देखा हूँ रेनबो। मस्त ब्यूटीफुल दिख रहा था और एक के ऊपर एक थे, ऐसे दो रेनबो थे जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में। सो अभी हम लोग निकलते हैं अभी हम लोग यहाँ पे आए थे। एक्चुअली ये फॉरेस्ट गार्डन है एंड फॉरेस्ट गार्डन के पीछे जो सीनरी आया था उसके लिए मैं यहाँ पे आया था थंबनेल निकालने के लिए। सो बेसिकली अभी ओके ठीक है, जितना भी अच्छा आया इतना आया, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था बट, और अभी डार्क हो गया है सो बेसिकली लाइट भी नहीं है। सो अभी मैं देखता हूँ या लैम्प के यहाँ पे आगे ओके अभी इट्स ऑलराइट। आई होप अभी आपको मैं दिख रहा हूँ ओके। तो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ से पैकअप करते हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से आने वाली है एंड पता नहीं आवाज़ आ रहा है नहीं आ रहा है। एक्सेसरीज मंगा है, एक्सेसरीज आने के बाद बराबर से आएगा बिकॉज माइक माउंट होगा। सो लेट्स सी। तो अभी मैं और सर्वेश है लेकिन मोड इज़ अ पिंक एंड मस्त एकदम काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी है एंड देख सकते हो यहाँ से भी दिख रहा है वो जो कलर हुआ है ना वहाँ पे। देखो यहाँ साइड में, इस साइड में पूरा डार्क हो, इस साइड में पूरा ऐसा पिंक यू नो सनबर्न टाइप में हुआ है। तो सनबर्न इज़ नॉट अ फेस्टिवल काइंड ऑफ थिंग, सनबर्न ओके। सो वहाँ पे वैसा दिख रहा है और यहाँ पे अलग दिख रहा है, तो ऐसा कंपार्टमेंट दिख रहा है अलग 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 हुआ है ओके। सो अभी चलो ऑलराइट गाइस। तो मेरे बाल बहुत ख़राब हो गया अभी एंड दोस्त जोर जोर से बारिश गिर रही है तो हम लोग को भीगना नहीं है अभी कहाँ पे जाके यार। मतलब यू नो आई वॉज फीलिंग गुड एंड आउट ऑफ फीवर एंड ऑल दिस थिंग, तो मेरे को अभी वापस से बुखार वुखार का चक्कर नहीं चाहिए था इसलिए हम लोग मैं और सर्वे दोनों भी रुके। तो अभी देखते हैं बारिश जाने का टैक्स है और थोड़ा मतलब एक तो जाने का या तो थोड़ा कम होने का। पीछे देख सकते हो एकदम मस्त ऐसा लग रहा है आग लगी है पीछे, बट वो आग नहीं है, वो सनसेट का वो सनबर्न है जो सन जाने के बाद भी बाकी है, बट वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ अट्रैक्टिव थिंग लग रही है। हम लोग ने डिसाइड किया था कि थोड़ा टाइम रुकते हैं और निकलते हैं बिकॉज बारिश ज़ोर से आ रही थी तो हम लोग को लगा यार बारिश थोड़े टाइम में एक बार आके चली जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जा ही नहीं रही है, अभी भी गिर ही रही है। तो हम लोग ने सोचा कि वहाँ पे अच्छा मतलब वहाँ पे रुकने से अच्छा हम लोग हीराकुंड के यहाँ पे जाके रुकते हैं। तो आज जो बाहर निकलने का प्लान था ना वो एक्चुअली बहुत सड़ा हुआ प्लान निकला। दो दिन से बारिश नहीं थी बट दो दिन से तबीयत भी अच्छी नहीं थी उसकी वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा था, बट बाय द चांस अभी ठीक है। अभी तो ऑलमोस्ट एकदम थोड़ी थोड़ी सी आ रही है बट फिर भी भीगना नहीं है तो हम लोग वहाँ पे जाके शेड में जाके रुकते हैं। तो ये लोग भी यहाँ पे आए थे बारिश से बचने के लिए और वो आंटी है वो उन लोग को खाना खिला रही थी। हम लोग भी यहाँ पे रुके हैं बारिश की वजह से। अभी एक दोस्त है वो आ रहा है तो उसके लिए रुकते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिर बालों की बैंड बज गई है अरे मस्ती मस्ती में जोर से पटक दी और यहाँ से निकल गया। और अभी बड़ा है सो ये अटक यहाँ पे अटक जाता है सो दैट वो ना यहाँ से निकले ना, तो अभी जोर से निकल गए तो अंदर नहीं जाना। अभी घर पे बांधे मम्मी बहुत मारेगी। काम हो रहा है देखो क्या चल रहा है, देसी जुगाड़ है अपने इंडियंस का काम ही होता है ना कुछ तो जुगाड़ ढूंढने का। देसी जुगाड़ चल नहीं ये थोड़ा सा रह गया है दगड़ नहीं टुकड़े उतर रहे हो गया 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 ब्रो यू शुड ट्राई इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो गाइस अभी हम लोग आ गए अलीबाग बीच और मेरे बालों की ऐसी वाट लगी है ना और ये बारिश है उसके से दिख नहीं रहा हूँ मैं और जो सी वेव्स का आवाज़ आ रहा है ना यार थोड़ा ऐसा पीस प्लेजेंट लगता है ना सुनने में मज़ा आता है। तो अभी ये लोग की कसरत चले लोग जिम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे रुका होके सो अभी देखते हैं थोड़ा टाइम यहाँ पे रुकते हैं टाइम पास करते हैं चिल आउट करते हैं तो गाइस अभी हम लोग का कल का प्लानिंग चल रहा है तो मतलब हम लोग काफ़ी तो बाहर जाने वाले हैं तो उसका सब प्लानिंग चल रहा है ओके। तो इसका अभी छाता उसने छोड़ तो दिया है लेकिन वो अभी बंद ही नहीं हो रहा कपड़ा हो गया है देखो बंद ही नहीं हो रहा
अरे तो अभी हम लोग का डिसाइड हो गया है, तो कल सुबह 8 बजे मिलेंगे सब लोग। 8 बजे नहीं, 7 बजे टाइम बोला है, तो 8 बजे सब लोग तैयार होके निकलेंगे। तो अभी अपन देखते हैं, उधर पानी आया वो तो बोला कि तैर सकते इतना पानी है, तो अभी देखते हैं। अपन ने फ़ोन में स्टोरेज भी बना ली है, अभी थोड़ा डार्क लग रहा है बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है ऑल राइट। आवाज़ तो सुनाई दे रहा है मेरा। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली आई केम बैक टू होम। अभी अपन घर आ गए, अभी घर आने के बाद अभी थोड़ा फ्रेश होता हूँ क्योंकि बाहर से आए हो बेसिकली, उसके बाद फिर खाने के लिए बैठता हूँ। सबसे पहले बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो सबसे पहले मैं फ्रेश होता हूँ। ओके ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं मेरा खाना पीके हो गया और मैं थोड़ा दोस्तों के साथ पबजी खेल रहा था, तो उसकी वजह से मुझे कैमरा लेने में देर हो गई। सो गाइस, रखते वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो फॉर वॉट एवर रीजन, जस्ट हिट द लाइक बटन। अगर नहीं पसंद तो डिसलाइक करो, जस्ट आई वॉन्ट एंगेजमेंट विथ यू गाइज। अगर नहीं पसंद तो डिसलाइक करो, लाइक करो, पसंद है तो लाइक करो। ओके, जैसा है, जैसा वीडियो आपको पसंद है तो ऐसे वैसे कमेंट करो। अगर नहीं पसंद है तो मुझे बताओ कि क्या पसंद नहीं है, क्या है क्या नहीं पसंद, कैसे मैं इम्प्रूव करूँ, क्या मुझे मतलब क्या कहाँ पे मैं गलत हो रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही हो रहा हूँ। ओके, सो जो भी है ये इम्प्रूवमेंट के लिए मेरे लिए मतलब सबसे ना, मैं इसको ऐसा नहीं कि यार बुरा बोल रहा है, ऐसा नहीं, मैं गुड वे में ले रहा हूँ कि यार आप मुझे सुधारने के लिए ऐसे कमेंट कर रहे हो। सो प्लीज़ गाइस, ऐसे कमेंट करो और मुझे बताओ कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ, प्लीज़ गाइस। ओके, एंड यू आर द ऑडियंस, सो आप जैसे बोलोगे वैसे वीडियो बनेंगे, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल गाइस। ओके, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, ऐसा भोबड़ा हो गया था। ओके, वॉट एवर, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, एंड जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल घंटे को जोर से बजाओ, और वैसे मेरी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो करो। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट, शबा, टेक केयर।